हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा योगेश महावर। और संडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं शाम का ब्लॉग बना रही हूँ और सब्जी तो मैं बना नहीं रही हूँ, किसी ने दे दी मेरे लिए सब्जी। और ये सब्जी मैंने काट ली है, बट इसको सुबह बनाऊंगी। तो मेरी सब्जी रखी हुई है रखती थी, तो आज मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। और आटा लगा लिया है मैंने, देखिए आटा लगा लिया है और सब्जी भी रखी है। तो आज मैं पहले सबसे पहले रोटी बनाकर लाऊंगी, बाहर चूल्हे पर जाकर खाना बनाऊंगी मैं, और बनाऊंगी बादाम का हलवा। तो मेरे पति कई दिन से बोल रहे थे कि हलवा बना लो, हलवा बना लो, मन कर रहा है खाने का, तो मूड नहीं था बनाने का, लेकिन सोच रही हूँ आज बना ही लूँ। तो आज मैं बादाम का हलवा बनाऊंगी। सबसे पहले पहले मैं खाना बना कर लाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस टाइम खाना नहीं बनाती हूँ तो फिर मेरे चूल्हे पर है ना अंधेरा हो जाता है, वहाँ पर लाइट नहीं है, तो मैं अंधेरे में ही रोटी बनानी पड़ती है मुझे। तो मैं अब खाना बनाने जाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ चूल्हे पर। तो वैसे तो उजाला है इस टाइम पर, लेकिन रोटी बनाते बनाते मुझे अंधेरा हो गया था, तो मैं रोटी बनाकर ले आई हूँ। और ये देखिए, मैं इनको ढककर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे खाने भी बैठ गए हैं, उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो पापा का इंतज़ार नहीं किया आज उन्होंने, तो वो खाना खाने बैठ गए हैं। तो ये मैंने बादाम भिगो के गर्म पानी में रख दिए थे। तो चलिए मैं बादाम का हलवा बनाती हूँ। पहले इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर पीस मिक्सी जार में पीस के तो जब इनका हलवा बनाऊंगी मैं। तो हलवा मेरा बन रहा है इधर, और उधर मेरे देखो पति भी आ गए हैं दुकान से, तो वो मुँह हाथ धो रहे हैं, और उनको मुँह हाथ धो के खाना चाहिए होता है, तो वो खाना खाने बैठ जाते हैं और मैं इधर हलवा बना रही हूँ। तो इस बीच क्या है कि सबने, मैं हलवा बना तो रही हूँ लेकिन भूख इतनी तेज़ी से लग रही थी आज, पता नहीं सबको क्यों, तो वो लोग खाना खाने सब लोग बैठ गए। तो बच्चे तो मेरे पहले ही बैठ गए थे, तो अभी मेरे पति भी खाना खा रहे हैं, तो इधर मैं हलवा बना रही हूँ इधर। तो उधर पति ने खाना खा लिया है मेरे ने, तो मैंने, हम सब एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन इस टाइम मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, तो इस वजह से सबने एक एक करके खाना खा लिया है। तो मम्मी पापा ने तो बहुत पहले ही खा लिया था, मैं रोटी बनाकर लाई थी तभी खा लिया था। और रही बात हलवे की, तो हलवा हम सोती टाइम पे खाएंगे, हमको सोने के टाइम पे मीठा खाने का पसंद है, तो इस वजह से हम हलवा खाएंगे। तो हलवा बनने देते हैं पहले। तो इधर मेरा हलवा बन गया है दोस्तों, आ जाइए आप भी खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है, सबने खा लिया है और मैं भी अब खाना खा ही रही हूँ। तो मैंने अपने लिए इधर गट्टी की सब्जी और चने का साग रख लिया है, ये रोटियाँ। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे भी, तो अब मैं खाना खाती हूँ। और इधर देखो मेरे पति बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो खा रहे हैं हलवा, और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये देखो ये बहुत ही शरारत कर रहा है। तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो इधर मैंने खाना खाकर बर्तन भी साफ कर लिए हैं, तो इनको बर्तन को मैं लगा देती हूँ पहले अपनी क्रेट में। तो क्या है कि ये शाम तक मैं रखती हूँ बर्तनों को, तो इसमें टप में बर्तनों को मार के रख देती हूँ, फिर इनको खाने के लिए, तो इसी में से निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा बिस्तर लग चुका है, और इधर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और इधर ये देखो एक बिस्तर इधर लग गया है। तो मेरे कमरे में ज़्यादा जगह बचती नहीं है, सिर्फ इतनी सी जगह बचती है कि एक इंसान इधर से उधर निकल सके बस। और इधर हमारी बाइक खड़ी हो जाती है दरवाजे के, इस दरवाजे के जस्ट बगल में, और ये भी दरवाज़ा ऐसे बंद हो जाता है, तो दोनों तरफ के दरवाजों के बीच में हमारी ये बाइक खड़ी हो जाती है, और बीच में थोड़ा सा ही जगह बचता है, इतना सा, सिर्फ इतनी सी ही जगह बचती है। तो हम इसमें से निकलते घुसते रहते हैं, और हमारा दरवाज़ा पूरा नहीं खुलता है जब बाइक खड़ी हो जाती है तब, देखिए तो सिर्फ इतना ही दरवाज़ा खुलता है, और इसी में से हम निकलते धरते हैं। तो ये रात का समय है, तो ये रात हो गई है, और ये देखिए लट्ठे पर लाइट लग रही है। तो हमारे प्लॉट में काफ़ी उजाला रहता है, और इधर मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है इस सुबह चाय के लिए। और इधर मेरे पति लेकर आए थे बाजार से बहुत सारा भतुआ, तो ये कम से कम 2 किलो के बराबर भतुआ लेकर आए थे। उनको भुजिया बहुत अच्छी लगती है भतुए की, और बोल रहे थे भुजिया भी बनाना और पराठे भी बनाना, तो कल मैं पराठे और भुजिया दोनों ही बनाऊंगी। मैं इधर अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, और ये पढ़ने में नफरत कर रहा है।
A-double-P-L-E. एप्पल माने सेब. और ये क्या है? B-O-Y-Y माने B-O-Y ना है ये. B-O-Y. बॉल की स्पेलिंग है ये बॉल. B-O. यह देख ये का है, दिख रहा था टीना, दिख रहा है. अच्छा चल वैसे ही बोल, चल ऐसे बोल, चल जोर जोर से बोल, ऐसे ऐसा क्यों कर रहा है, ढंग से बोल. अच्छे बैठ पहले तो ऊपर कुछ रख के. हाँ अब बोल बोल. डबल पी एल ई एप्पल एप्पल माने सेब. बी ओ वाई बॉय बॉय माने लड़का. सेटी केट केट माने बिल्ली. डी ओ जी डॉग डॉग माने कुत्ता. ओ जी डॉग डॉग माने कुत्ता कुत्ता. हाँ. क्यू. अच्छा क्यू है, क्यू है. पढ़वे के मामले में तो बहुत मासूम है जाए, बिल्कुल कतई जाने ही ना है कछु बेचारो. अक्षर ने तो पहचान ही ना है, रोटी खावा भी नहीं जाने बेचारो. दो कनपट्टी पे ऐसे पढ़ेंगे तेरे पे. हाओ बोल ढंग से बोल. कबू क्यू कह रहा है, कबू कछु कह रहा है. ये देख देख के भी नहीं आ रही, ये देख देख के भी नहीं आ रहे तो पे. चल ऊपर चल तू तो छत पे तो पे कम. चल चल चल. हाँ एल. अच्छा ई पे तो एल. हाँ एच पे ते आई है, ये दिखना रहा तो को आई है के का है. हाँ एन ई है. दोबारा से बोल स्पेलिंग तो. चल अब बिना देखा बोल. चल एलिफेंट की स्पेलिंग सुना बोल जल्दी से. हाँ एच. हाँ हाँ एलिफेंट की स्पेलिंग बिना देखे बता दी तेने, लेकिन देख देख के नहीं आ रही तो पे. तो फ्रेंड अब हमारी शाम हो गई है, रात हो गई है. तो हमारा ये देखो बिस्तर हो गया है, हम लोग सो रहे हैं. और इस वक्त मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ. तो देखा आपने इसका पढ़ने में कितना नखरा होता है, मतलब देख देख के तो इसको कोई भी स्पेलिंग ढंग से याद नहीं हो रही है और ना ही ये ढंग से बोल पा रहा है. लेकिन बिना देखे ये जेड तक ABCD बोल देता है. जैसे कि ALLE एप्पल माने सेब, ऐसे ही ALLE एप्पल माने सेब जेब्रा तक बोल देता है. लेकिन देख देख के इससे अच्छा पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसे सिखा रही हूँ. और ये बहुत ही नखरे करता है इस टाइम पे. बस इसकी एक ही, इसको एक ही चीज से डर लगता है कि मैं इसे छत पे ले जाती हूँ, फिर इसे बोलती हूँ कि मैं तुझे छत पे से धक्का मार के गिरा दूंगी, तो ये डर जाता है. तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन मैं इसे डरा देती हूँ तो ये डर जाता है, तो फिर ये पढ़ भी लेता है. वरना बिना डरे ये नहीं पढ़ता है. और उधर ये देखिए मेरी बेटी भी पढ़ रही है उधर, तो उसे पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो खुद ही पढ़ लेती है, अपने काम को कर लेती है, होमवर्क कर लेती है अच्छे से, और अपने प्रश्न उत्तर याद कर रही है वो इंग्लिश में. तो उसके 7 तारीख से एग्जाम है तो वो पढ़ रही है. तो अब शाम हो गई है और हम सो रहे हैं. और आपका तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरा बताइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको. और शाम का ऐसा ही ब्लॉग है, और यही सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे. शाम को खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं. बस
टहलने तो मैं नहीं जाती हूँ, मेरे पति गए हैं टहलने, वो सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं वो टहलने के लिए। तो मैं तो बच्चों में व्यस्त हो जाती हूँ, खाना पीना खाकर आरकस आता है तो मैं सो जाती हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही किसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।